सो हे ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वॉचिंग कशिश व्लॉग। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं आज एक शादी में, मतलब हमारे किसी बहुत खास की शादी है और तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ। मम्मी पापा नन्नू मामा अंशू सब चले गए, मैं भाई और प्रियांशु भी यहाँ हैं, क्योंकि प्रियांशु जाएगा किसी और भैया के साथ, मैं और भाई जा रहे हैं बुलेट पे। बट अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि गोलू को लेके नहीं जा रहे, तो वो अपने लिए चाउमिन लेने गया है। वो चाउमिन खाएगा, हम शादी में दावत खाएंगे। हम लोग आ गए थे शादी में, बट ये दिन की शादी है तो हम लोग, गर्मी लग रही है पर फिर हम लोग बैठे। बुक कौन सा शेर है? बाबर शेर। हेलो गाइस करते हैं। हेलो गाइस। हाँ तो बीना जी, आपके लिए एक सवाल। गाइस, ये मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमारी मामी भी लगती है। मम्मी भाई, इनके हस्बैंड मतलब भाई को हम लोग मामा बोलते हैं, मम्मी राखी। आप लोगों ने पहले भी ब्लॉग्स में देखा होगा प्रेरणा के, मेरे ब्लॉग में तो ये आती नहीं है, ज़्यादा इतना आती है हमने उनको। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके अपने बेटे के रिश्ता देखने आई हैं जो आप इतना सज धज के आई हैं? जवाब जनता चाहती है, पेश कीजिए। मम्मी दिखा पहले, वो तो दिखाऊंगी पहले। गाइस ये देख लिया ही ने, तो ये रही मम्मी। अब जब आप हाँ जी, क्या सज धज के क्यों आए? शादी में आए हैं तो सज धज के आएंगे। इधर लेकिन आपकी बेटे की शादी थी, तुम्हारे मुंह में जवाब नहीं था जो तुमने आगे पास करा दिया। मैंने इसलिए कराया कि सज धज के भी आई बस। सज धज के तो गाइस मैं भी आई हूँ क्योंकि हम शादी में। हाँ गाइस, वीडियो बनाने के लिए वो लोग लेके आए बुलेट। मैंने उन्होंने कहा था मुझे वीडियो बनानी है तो तुम लेके आओ, तो ये लेके आए हैं जल्दी से। अब हम जा रहे हैं घर। और अभी गाइस हम आगे हो ना, फिर गाइस प्रियांशु भी जा रहे हैं घर। और गाइस अभी नन्नू खो गया, तो हम पूरे में नन्नू को ढूंढ रहे हैं, नन्नू कहाँ है, नन्नू कहाँ है, साथ खेल रहा। और वहाँ पीछे पता नहीं कहाँ जाके बच्चों के साथ खेल रहा था नन्नू। नन्नू ये लो बब्बर शेर, तेरी ओए तेरी। लड़ रहे हैं बैठने के लिए, भी लड़ रहे हैं भाई साहब। मैं बैठ जाऊं उधर आंटी के साथ? कौन आंटी? बैठ जा। हां जा। इसको हम ले नहीं रहे, पहले भी तो इसी गाड़ी में आए थे ना, अब जगह गिर गई क्या? खाली नन्नू गाड़ी चला रहे हो आप? अरे गाइस ये देखो, ओए बेटे, ओ बेटे, बालक सीखे बहुत जल्दी है। चलाओ नन्नू जल्दी से, ओए पता लग नहीं बेटा। नन्नू जल्दी घर ले चलो, हॉर्न बजा। हाँ हॉर्न बजा दो, कोई बज नहीं रहा। नन्नू जल्दी घर ले चलो हमें। उसे मत छेड़, गाड़ी चला ले बस। नहीं उसे मत छेड़ यार। अब हाथ डालो ना करा। ये लो भाई गियर भी डाल दा तुम्हारे लिए, उड़ाएगा किसी बाइक वाले ने। हॉर्न दबाना गाइस, इसका हाथ से इसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ हाथ रखूं, तो ये हॉर्न ऐसे। नन्नू हॉर्न में जाओ जल्दी। गाइस देखो इसे कैसे घुमा रहा है गाड़ी। अमित उतर यार, पकड़ ले। ओए ओए नन्नू चल चल, चला चला नाली में पहुंचा देगा। चला चला नाली देखो। अबे चला यार, नन्नू ब्रेकर पे धीरे करो गाड़ी को। हाँ? ब्रेकर पे धीरे करो, ब्रेक मार, ब्रेक ब्रेक मारो, हॉर्न बजा दो। नन्नू हॉर्न बजाइयो, हॉर्न बजा, हॉर्न बजाने का तरीका सही है भाई। सो गाइस हम लोग आ गए घर पे, जैसे छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए। मैंने कर लिए कपड़े वपड़े चेंज, मम्मी ने कर किचन देख रहे जैसे छोड़ के बच्चे बच्चे पड़े। अरे नहीं मम्मी, आपको नहीं बोला, इन लोग को बोला यार। मामी ने तो गाइस बहुत काम किया, बर्तन धोए, ये सोएंगे और क्या करेंगे, तेरे लिए झाड़ू पोछे लगा के रखे ये। नहीं बता गाइस, मेरी मामी है बहुत बोलती है, आप लोग ये मेरी मामी बोलने में रिकॉर्ड तोड़ था गाइस ना। उसको बोल की तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है, शायद तो मम्मी ने मुझसे बोला है कि मैं उसके लिए जूस लेके आऊँ और उसके लिए नारियल पानी लेके आऊँ। मैं आ रही थी, मुझे रास्ते में प्रियांशु टकर गया, कह रहा दीदी मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा चल यार, फिर हम दोनों आए हैं। अब जूस तो हमने ले लिया, अब ये दो नारियल पानी लेने हैं। का हो रहा है जाने का टाइम, तो भाई साहब इतनी उतावली हो रही है, लग रही है पैकिंग करने में धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगी पड़ी है। ये देखो गाइस, ये सारे इसके ऑर्डर्स वगैरह हैं और ये सब पैक कर रही है अब ये। मैं बिल्कुल उतावली हूँ गाइस, बस पैकिंग कर रही है। मुझे कौन से रखने हैं? मुझे येलो वाले दे दे, मैं हवन पे पहनूंगी येलो वाला सूट, कुछ दिन पहनूंगी येलो। मैं को भी पहनने हवन पे, ऊपर पड़ा ना येलो एक और। हाँ तू येलो सूट है, मेरा हवन पे येलो ही सूट है। अच्छा तो गाइस अभी इसकी ऊपर वाले ले, पैकिंग चल रही है
इसके कपड़े डाल रहे हैं हम सब, बहुत सारे कपड़े, और वो सारा काकी का सामान है और नीचे वो सारे काकी के सामान है, ये सब हमें पैक करना है बिकॉज प्रेरणा कब जा रही है बहन? 16 को चली जाएगी। फिर कब आएगी? सालगिरह, फिर आएगी गाइस सालगिरह। इनकी एनिवर्सरी आ रही है, फर्स्ट एनिवर्सरी 25 मार्च, आप लोगों को भी पता होगा, तो ये अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाएगी अभी। आई डोंट नो कि सेलिब्रेट होगी कि नहीं गाइस। वहाँ रूम में निशी की पैकिंग जोरों शोरों से चल रही है, ये लगी हुई है सामने, ये भी शायद उन्होंने ब्लॉग ही शूट कर रही है। ये पैकिंग चल रही है वहाँ पे, पता नहीं इतना गंदा मचा रखा है, पैकिंग कर रहे हैं इतने से, वहाँ से सामान आ रहा है दूसरे घर से उठ के निशी का। गाइस ये देखो काकी अभी उठी हुई है, आप लोग बोलते हो ना कि काकी पूरा दिन सोती है सोती है, काकी नहीं सोती पूरा दिन, काकी अभी उठी हुई है। टक टक काका। गाइस इसको इतनी गर्मी लगने लगी है ना, कपड़े वपड़े पूरे उतार के सेट होके बैठेगी अभी ये। कल दिन में तो शॉर्ट्स पहन रखे थे बाबू ने, है ना बाबू? टेंट है। आज प्रेरणा ने इसके काला टीका लगाया, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब से ये हुई है फर्स्ट टाइम इसके काला टीका लगाया आज। क्यों लगाया? आपको क्या लग रहा था कि बाबू को नजर लग रही है इसलिए लगा दिया? नहीं, मेरे को काला टीका दिखा तो मैंने लगा दिया। अच्छा, आपकी मम्मा ने आज आपके काला टीका लगा दिया है काका? वे जीप चढ़ा रही है, जीप चढ़ा रही है गाइस को कह दो गाइस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून चल रहा है, ये व्हाट्सएप पे एक बार आप चेक कर लो और मुझे। सॉरी, गुड आफ्टरनून गाइस, जीजू आ गए हैं आज। वैसे तो हाँ आज एक दो दिन में आए हैं, कल भी आए थे झूठ बोल। एंड ये काकी को मैंने सुलाया अभी, जस्ट अभी सोई है। हाँ गाइस, प्रेरणा का आया खाना भी, खाएगी खाना प्रेरणा का आया खाना, बर्थडे मॉल से खाना आया भैया तोरी। और काकी मेरी गोद में सो रही है गाइस, देखो मैंने सुबह भी दिखाया था मेरी गोद में सो रही थी, अभी भी दिखा रही हूँ मैं, मेरी गोद में ही सो रही है काकी। और इसके लिए मम्मी ने बनाई है दाल मखनी और तंदूरी रोटी। बड़े घर से खाना आया भैया, वहाँ से आया है। इसका खाना कहाँ से? वो बड़े होटल से, सम्राट होटल से आया, सम्राट अशोका होटल। कैसे खा रही है मम्मी देखना? कैसे खाऊं, ये खाना खाया नहीं जाता, यही खाना खाना पड़ता है, यही खाना। अंशु गाइस 1.5 घंटे बाद बाथरूम से निकल, तेरे दोस्त अनमोल का फोन आ रहा है। छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, बाहर बच्चा लगवा दो, क्या किसी को अपना गुस्सा उतारना हो तो यहाँ संपर्क करें, यहाँ पे अंशु नाम का बच्चा रहता है, उसे मारो। जान मारो मतलब खुद भी मारती है, तो बाहर चाचू को भी बुला लिया कि आओ इसे मारो। तो अंशु, तो गाइज गाइज जब से इसके स्कूल ओपन हुआ है, मींस अप्रैल आ देते हैं, जो मेरे चाचू हैं वो एक्चुअली अब ना जॉब की वजह से बिजी रहते हैं तो वो ज्यादा आ नहीं पाते, ये उन पे ही काबू आता था क्योंकि वैसे वाइपर, झाड़ू, पाइप, गाइज तो जब से मे बी फेब्रवरी में स्कूल ओपन हुआ है और ये सिर्फ एक दिन स्कूल गया है। मतलब इतनी उतारनी कल परसों तक तो क्या हुआ, मैं अंदर बैठा हूँ, अंदर टिकटॉक बना वो जो भी बना रही है मैं अंदर बैठा हूँ, इसे पता है हम दोनों ने बात भी करी, इसे पता है मैं अंदर हूँ, इसे पता नहीं पुनीत पुनीत का फोन आ गया होगा लेने, आ जा भाई साहब, बिल्कुल पुट्टी लगा के चली गई, मैं गेट बजाया जा रहा हूँ, अरे कुंडू में अंदर हूँ, इतनी उतावली हो रही है आज भी। हाँ परसों पुनीत मुझसे फोन पे पूछ रहा कि गुन्नू क्या सब क्या कर रहे हैं, मैंने कहा रीजन पूछ के आया, आज इसके पिटने के लिए चाचू बुलाए हमने। एक बात बता, पहले तूने से चाचू से पिटते हुए देखा है कभी? आज देख लियो पाइप, तू रीजन पूछ क्यों नहीं किया आज का? मैं चला जाता था, मैं रात में ना काम कर रहा था, हम सोए 3 बजे, गुब्बारे मारने वाला काम चल फिर वो अभी नहीं करते। अच्छा। होली से पे होली वाला होली कार्ड गोलू का काम कर रहा था। नहीं गोली से थोड़ी लाइट ने तो ये बताया जो प्रोजेक्ट का, तो आप फिर आप मैंने बोल तो दिया मैं जाऊंगा, अगर मैं उठा खड़ा था कैसे देखी जाती मास्टर? अरे अपना नहीं, दूसरे बच्चों की देखी जाती मास्टर की भी देख लेते, मास्टर का व्लॉग देखता होता एक बार याद है गौर हॉल में, ओए हाँ मम्मी गौर हॉल में
घूम के बैठ गया, घूम के खाना चलो ना। मैथ्स वाला था नेगी नाम है उसका, नेगी नाम है सीरियस मास्टर है, नेगी नाम है उसका। मम्मी इसका मुंह ना घूमे, मम्मी इसका मुंह नहीं घूमे, कितना खाओगे जल्दी खा ला। नेगी सर देखते होंगे तो फिर बता देंगे बेटे। नेगी सर अब नहीं पढ़ाते हैं उसको। ले लिया जो ऐसे कर खड़ी हूँ, मेरे को ब्लॉग में ले ले, मैं ऐसी खड़ी हूँ मुझे ब्लॉग में ले ले। ले लिया। पुनीत और मैं आए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, नहीं नहीं शॉपिंग नहीं, कल गाइस हवन है उसका थोड़ा सा सामान लेने। शॉपिंग करवा रही है क्या? नहीं नहीं, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गाइस। तो हम आए थे थोड़ा सा सामान खरीदने कल हवन का, और गाइस स्कूल के इवनिंग स्कूल के जो बच्चे थे उनका शायद अभी छुट्टी हुई। गाइस इतनी बुरी तरह होली खेल रहे थे वो लोग पीछे, होली नहीं खेल रहे वो वाली गेम खेल रहे जिसपे वो कपड़ा डालते हैं फिर उसको मारते मारते अभी दिखाते हैं दोबारा। बच्चे स्कूल के लगे पड़े गाइस एक दूसरे को मार पीट के खेल रहे थे। चल ना पुन्नू आगे, अब तो क्या पूरी फिल्म ही देख के जाएगा उनकी। डेरी से थोड़ा सामान तो ये जाएगा पुनीत लेने। ये भी हम आए थे मुखर्जी नगर साइड, ये लेगा, मम्मी ने हमें फ़ोन पे लिख के भेजा है सब कुछ। ये हमने ले लिए छोले और काली मिर्च वगैरह हवन के कल खाने वाने के लिए, और अब यहाँ से पुनीत लेगा बाकी सामान। ये हमने ले लिया सारा सामान यहाँ पे। टाइम से आ गई मम्मी के साथ खाना बनवाने, समझा बे? और शक्ल देगी अपनी, हाँ गंदी सी तो वैसी और गंदी है। कहीं का भी सफर हो पर हमारा इस दुकान पे आके रुकना, और मतलब इस पे आके रुकना और कुछ खाना बहुत कंपलसरी होता है। वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए ये सब लाता हुआ। क्या लाया ये दिखाइए, उन्हें क्यों पी रहा है यार मेरी चिज्जी। गाइस हम आ गए घर और ये सब तो अंशु लेके आया है, और मुक्ति दीदी फिर से आई हैं आज बाबू को मिलने। मुक्ति दीदी गाइस फिर से, मुक्ति दीदी कैसा लग रहा है आपको दोबारा बाबू से मिलके? अच्छा लग रहा है बहुत। अब आप दो तीन चार दिन रुक के भी जाओ, नहीं दो चार दिन रुक के जाओ फिर मैं पैकिंग के साथ आऊंगी। देख पापा और अंशु मेरे लिए समोसे लेके आए हैं। पापा आगे ब्लॉग बना, पापा आगे ब्लॉग बना, मम्मी देख लो इसको, देख पुनीत फोन चला रहा है ब्लॉग बना, देख निशी पुनीत के ऊपर लेके ब्लॉग बना, ब्लॉग बना, ब्लॉग बना, पापा ब्लॉग बना, इसी को देख के स्कूल चला जाएगा। फेस वैल्यू तो दिखा दे, फेस वैल्यू दिखा भाई लड़के की जब बोल रहा है। गाइस ये देखो हम सबकी टी शर्ट सेम सेम, बुरा ना मानो होली है और मेरी भी यही है। और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, और वैसे भी मैं ये पेज मेंशन कर चुकी हूँ। और ये देखो और टी शर्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। गाइस प्रेरणा के मोस्टली प्रोडक्ट इसी पेज से आते हैं, तो हमने ये टी शर्ट भी वॉइस में मंगवाई है, और हम बता देते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। मुक्ति ने भी पहनी है, मैंने भी, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइस है। बिल्कुल प्राइस कुछ ज्यादा नहीं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये ब्लॉग भेज जाएगा, आप होली तक डालोगे तो आपको भी रिसीव हो जाएगी। हाँ गाइस मोस्टली एक दो दिन में आपके पास भी आ जाएगी, तो अपना ऑर्डर प्लेस कर लेना और फिर इन्हें पहन के होली खेलना। आप जल्दी से जाके ऑर्डर करें और अपनी होली और एंजॉय करें। बाय। टी शर्ट क्या पहन ली, हम तो बौखला ही गए हैं, अब कलर भी लगा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। और बार बार दिखाओ, लगाओ इनके भी अब वापस, मुबारक हो बहन जी, होली मुबारक हो, मुबारक हो बहन जी। बहन जी ऐसा रैपर देंगी ना कुर्ते का पूरे हिल जाएंगे अंदर, बस मिर्च जाएंगे तेरे वाले में, यही है बुरा ना मानो। गाइस तो अब बहुत सारा ब्लॉग मैं दो दिन से बना रही हूँ, अब जाके ये पूरा हुआ है, तो अब करते हैं गाइस ब्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।